नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मंगलवार को चमोली पहुंचे और मानसून अवधि से दौरान आपदा प्रबंधन तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक ली और वहीं उन्होंने समस्त विभागीय अधिकारियों को आपदा की चुनौतियों से निपटने के लिए समन्वय और सहयोग टीम भवन से काम करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही उन्होंने कहा है कि बरसात में राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों को खोलने के लिए पर्याप्त संख्या में मशीनें और मैन पावर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और सड़क अवरुद्ध होने पर काम कम से कम रिस्पांस टाइम देते हुए उनको सुचारू किया जाए। तो सड़कें अभी भी बंद हैं, उनको खोलने के लिए तेजी से काम किया जाए। और मैं कह सकता हूँ कि लगभग 150 से ज़्यादा जीसीबी हमारे पूरे ज़िले में लगे हैं और खाद्यान्न से लेके, रोड से लेके, हमारे दवाइयों से लेके, पानी की व्यवस्था से लेके हर विभाग की आज समीक्षा की गई है। अब पूरे ज़िले में लगभग 2 दर्जन रोडें अभी जो है नहीं खुली हैं। लगभग 20 तारीख तक ये सारी रोडें अब हमारी खुल जाएंगी। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी के कार्यों का औचक निरीक्षण करते हुए सबसे पहले देहरादून के ईसी रोड पर पहुंचे और वहीं निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने कहा कि कुछ कार्य ऐसे हैं जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं और कुछ कार्य अभी भी पूर्ण होने हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बरसात के कारण निर्माण कार्यों की रफ्तार धीमी पड़ी है और धीरे धीरे निर्माण कार्यों को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने यह भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वहां जहां पर अधूरे निर्माण कार्य हैं उनको अधूरे निर्माण कार्य को पूरा किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए जाए ताकि जो गड्ढे खुले हुए हैं उन गड्ढों से पानी की निकासी करते हुए उनको भरा जाए ताकि कोई भी अनहोनी ना हो। इसके साथ ही उन्होंने चेताया कि अगर कहीं पर त्रुटि पाई जाती है तो अधिकारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इसे एसी रोड बोलते हैं और यहाँ पे ड्रेनेज का, सड़क का ये सब काम साथ साथ चल रहे हैं। काम जिस प्रकार से चल रहे हैं उसमें ये बात तो ठीक है, काम उसको थोड़ा सा अभी गति पकड़ रहा है, बारिश के कारण थोड़ा दिक्कतें आई हैं, लेकिन मेरा मानना व्यक्तिगत रूप से ये है कि सुरक्षात्मक दृष्टि से भी ये काम होने चाहिए थे। अब ऐसी स्थिति में जब इन्होंने काम पूरे नहीं किए सुरक्षात्मक दृष्टि से, वो मुझे थोड़ा लापरवाही दिख रही है। ऐसे में कोई अनहोनी घटना ना हो जाती तो उसको लेके मैंने इनको बहुत कड़ाई से निर्देश दिए हैं। कम से कम बैरिकेडिंग लगे, जहाँ स्लैब पड़ने चाहिए वहाँ स्लैब पड़े, जो गड्ढे जिस प्रकार से मुझे दिख रहे हैं उसमें पानी घुसा है, कोई गिर जाए तो रुड़की के नहर किनारे स्थित भाजपा जिला कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आपको बता दें कि जिलाध्यक्ष रुड़की शोभा राम प्रजापति ने बताया कि कल सांसद हरिद्वार डॉक्टर निशंक ने आपदा ग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया था और जन समस्याओं से रूबरू हुए थे। भारी वर्षा के कारण आपदा ग्रस्त क्षेत्र की स्थिति का भी जायजा लिया था, जिसके बाद लक्सर खानपुर होते हुए साउथ सिविल लाइन में पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों के साथ देर रात तक प्रकाश होटल में अधिकारियों और साउथ सिविल लाइन के लोगों के साथ बैठक कर वार्ता की और साथ ही आपको बता दें कि इस आपदा की गंभीरता को देखते हुए सांसद निशंक ने सभी अधिकारियों को कड़ाई से संसाधन बढ़ाने के लिए और स्थायी समाधान पर गंभीरता पूर्वक चर्चा की। देखे क्या कहा क्या क्या हो रहा है, फसल भी बहुत बड़ी नष्ट हो गई और कहाँ सोलानी नदी का बांध टूटने की कगार पे है। तो सोलानी नदी का बांध भी तुरंत संबंधित अधिकारी को फोन कर दिया, ये बांध क्योंकि वो बताया कि जो अब थोड़ा सा टूटा था उससे लक्सर भी 4-5 फुट का मिला, पर अगर वो टूट गया जहाँ पे वो रिसरा था ये टूट गया तो लक्सर लगभग 10 फुट पे लक्सर हो जाएगा। इसलिए तुरंत उनकी चिंता करते और वहां से उठते हुए ढेरा साउथ सी लाइन पहुंचे, जो साउथ सी लाइन की बड़ी गंभीर समस्या थी क्योंकि यहाँ सब कुछ प्रयास करने के बाद भी पानी कम नहीं हो रहा क्योंकि इतना गहरा निकलता किसी जेसीबी से निकलना किसी से निकलना। तो उसके लिए माननीय सांसद जी ने तुरंत
अधिकारी को बुलाया अपने बता दी के होटल में, और तुरंत रात के 11:30 बजे तक वार्ता चलता पूरा निष्कर्ष निकालते हुए यही बताया कि सलूशन केवल नाला बनाना ही और कोई सलूशन है नहीं, क्योंकि 5 लोग बुलाए थे वहाँ पे, भीड़ में कोई बात नहीं थी, 5 लोग बुलाने के बाद उनसे भी सहमति। विकास भवन सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समेत दिशा बैठक में हुए सांसद अजय टमटा ने कहा कि वर्षा काल चल रहा है, आपदा से बंद सड़कें कम से कम समय में खोली जाए। उन्होंने केंद्र सरकार की योजना में त्वरित कार्य कर पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। सांसद टमटा ने आपदाग्रस्त सभी बंद सड़कें तत्काल खोलने के निर्देश देते हुए प्रधानमंत्री आवासों को सभी सुविधाओं से लैस करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि मार्च 2024 तक जल जीवन मिशन के सभी कार्य पूर्ण कर लिया जाए और इसके लिए जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त मानव संसाधन लगाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन योजना में अब तक 336 करोड़ अवमुक्त किए गए हैं। सभी डिपार्टमेंट की बैठक ली गई और खासतौर पर चूंकि आपदा को देखते हुए पीएमजीएसवाई और दिल्ली की जो सड़कें बाधित हुई हैं उनके तुरंत खोलने के निर्देश दिए हैं, और भारत सरकार से मिलने वाली लोगों के पैसे को तुरंत तत्काल उनके कार्यों को अच्छा करें, गुणवत्ता युक्त करें, और हमारे जो पीएमजीएसवाई की सड़कों के अलावा जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं उसमें भी हमने सीआरएफ का पैसा दिया है, उन सड़कों को हमने स्वयं आज देखा भी है, उसमें भी गुणवत्ता आए और नालियाँ बने, कवर बने, कलवर्ट बने, और साइड की जो है बैरिकेडिंग भी हो, इसको भी आज हमने मिला है। लगभग 340 करोड़ रुपया बागेश्वर जनपद में पेयजल के लिए दिया, और भारत सरकार ने जिस प्रकार से मिशन मोड में काम करने का, शौचालय का, बिजली घरों को, लोगों को बिजली देने का, वैसे ही सबको पानी देने का जल जीवन मिशन के अंतर्गत काम है, इसलिए मार्च तक सारे कार्यों को पूरा कर दिया। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी का मानना है कि अग्निवीर योजना युवाओं के साथ ही नहीं देश के साथ साथ भी धोखा है। देश के आपको बता दें कि अग्निवीर योजना योजनाओं के साथ साथ देश की सुरक्षा और संप्रभुता के साथ खिलवाड़ है। और प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि यात्रा में राहुल गांधी के साथ ही प्रियंका गांधी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। वहीं पार्टी की यह यात्रा अग्निवीर योजना के विरोध को केंद्र में रखकर निकाली जाएगी, जो राज्य में 50 से 60 दिन तक निकलेगी, और जिसमें राहुल गांधी यात्रा में 10 दिन लगभग रहेंगे। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस कितनी भी पदयात्रा कर ले या कितनी भी भ्रम अफवाह फैला ले, देश के यह असली वीडियो सुना युवा में जोश भरने वाली योजना है, युवाओं के भविष्य के लिए भी एक अच्छी योजना है। ये राहुल गांधी जी हमारी पदयात्रा में लगभग 10 दिन रहेंगे, और अग्निवीर योजना को लेकर ये यात्रा है क्योंकि इसकी दुश्वारियां हैं, देश की सीमाएं कमजोर हुई हैं, देश की सेना कमजोर हुई है, और राहुल गांधी जी ने चिंता व्यक्त की है इसको लेकर। उन्होंने कहा कि ये सैनिक बाहुल क्षेत्र है उत्तराखंड, यहाँ से हर परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति फौज पर है, और इसका दुष्प्रभाव हमारी इकोनॉमी में भी पड़ रहा है, राष्ट्र की सीमाओं में भी पड़ रहा है, गांव से इससे पलायन भी बढ़ेगा, इस बात की उनको चिंता है। और राहुल गांधी जी ने कहा है जो 50-60 दिन की आप यात्रा पदयात्रा उत्तराखंड में निकालेंगे उसमें 10 दिन कम से कम प्रतिभाग राहुल गांधी जी भी करने जा रहे हैं, जो हमारे लिए उत्साह बढ़ाएगा। देखिए, इनके पद यात्रा के लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि 2-4 कदम जो चल ना सके, रफ्तार की बातें करते हैं, पायल का जिनको पता नहीं, झनकार की बातें करते हैं। चाहे कितनी भी पद यात्रा कर लें, चाहे कितनी भी भ्रामक अफवाहें फैला दे देश में, लेकिन जो ये अग्निवीर की योजना है, ये युवाओं के प्रति जोश में भरने वाली योजना है, युवाओं के भविष्य के लिए अच्छी योजना है, इससे युवाओं के भविष्य का उज्ज्वल रहेगा। तो ये जिस प्रकार से भ्रामक चीजें फैला रहे हैं, तो वो अपने चीजों को याद करें कि इतिहास ने वो चीज भी देखी थी जिस प्रकार से इन लोगों ने लोगों को भ्रमित किया था। पौड़ी विकास भवन सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित की गई, और बैठक में सांसद गढ़वाल तीरथ सिंह रावत ने विकास कार्यों की प्रगति को जाना, और उन्होंने जनप्रतिनिधियों से
उन उठाई गई समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। साथ ही आपको बता दें कि वह इस दौरान बैठक शुरू होते ही गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने अनावश्यक रूप से बैठक बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को बैठक से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि केवल अधिकारी नामित वही जनप्रतिनिधि और पत्रकार ही रहेंगे। सांसद गढ़वाल तीरथ सिंह रावत ने बताया कि विभागवार समीक्षा करते हुए सड़क स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। वहीं इस दौरान बरसाती सीजन को देखते हुए आपदा की स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने अधिकारियों को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। इन बैठकों में आते हैं और अपने क्षेत्र के मुद्दों को यहाँ पर रखते हैं। विभागवार जो भी हमारे विकास खंड की समस्याएं होती हैं, तो ज़्यादातर समस्याएं हमारी जो है यहाँ पर हल नहीं हो पाती हैं और बार बार हम एक ही मुद्दे को जो है कई मीटिंगों में रखते हैं और कई विभागों के साथ हम लोगों का जो है जद्दोजहद होती है कि भाई हमारे यहाँ हमने पिछली बार आपके पास शिक्षा के लिए कहा था, स्वास्थ्य में कहा था और वो काम हो नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे प्रत्येक विभाग से जो है हम लोगों को बार बार यहाँ पर बोलना पड़ता है, उसके बावजूद भी जो है ये काम हमारे पूर्णता जो है हल नहीं होते, कुछ हो जाते हैं और कुछ जो है नहीं होते। इन बैठकों में आते हैं और अपने क्षेत्र के मुद्दों को यहाँ पर रखते हैं। विभागवार जो भी हमारे विकास खंड की समस्याएं होती हैं, तो ज़्यादातर समस्याएं हमारी जो है यहाँ पर हल नहीं हो पाती हैं और बार बार हम एक ही मुद्दे को जो है कई मीटिंगों में रखते हैं और कई विभागों के साथ हम लोगों का जो है जद्दोजहद होती है कि भाई हमारे यहाँ हमने पिछली बार आपके पास शिक्षा के लिए कहा था, स्वास्थ्य में कहा था और वो काम हो नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे प्रत्येक विभाग से जो है हम लोगों को बार बार यहाँ पर बोलना पड़ता है, उसके बावजूद भी जो है ये काम हमारे पूर्णता जो है हल नहीं होते, कुछ हो जाते हैं। चमोली के विकासखंड पोखरी के सेरा मालकोची के ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी संतोष पांडे को ज्ञापन सौंपा है। वहीं ग्रामीण मनोज भंडारी ने कहा है कि आजादी के बाद अब पहली बार सेरा मालकोची की सड़क का कार्य प्रारंभ होना है, लेकिन सड़क के संरेखण को भी लोक निर्माण विभाग बदल रहा है, जिसको लेकर एसडीएम संतोष पांडे ने मौके पर लोक निर्माण विभाग के एई का जवाब तलब करते हुए नाराजगी व्यक्त की है। एसडीएम ने कहा है कि जनता की समस्या का समाधान करना हमारा कर्तव्य है और इस सड़क के किसी भी कार्य में कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं ग्रामीण एसडीएम के आश्वासन के बाद शांत हुए और खुशी व्यक्त कर एसडीएम का आभार जताया। हम इस संदर्भ में आए थे यहाँ तहसील में एसडीएम साहब के पास, ताकि पुखरी ब्लॉक में हमारा काफी दुर्गम क्षेत्र है सेरा मालकोटी और कुमेडांग। तो हालांकि यहाँ रोड की सर्वे हुई थी, स्वीकृति इसको 2018 में मिली थी और 2018 वाली स्वीकृति मिलने पर भी ना तो उस रोड पर रोड गई और अभी हालांकि पीडब्ल्यूडी पुखरी की तरफ से उसमें कार्रवाई हुई और पिलर भी जो है गलत दिशाओं में जो गाँव को टेस्ट नहीं कर रही थी। इस संबंध में आए थे हम एसडीएम साहब के पास और एसडीएम साहब ने हमारे को आश्वासन दिया कि गांव को अपने गांव की समस्याएं लेके यहाँ पे एसडीएम साहब के पास आए थे और पूरे ग्रामीण लोग भी आए थे, जिससे हमारी समस्या ये थी कि रोड पे कुछ कर्मचारियों द्वारा मनमानी चल रही थी और उस मुद्दा को लेके यहाँ पे एसडीएम साहब के पास गए। उन्होंने हमें सुझाव दिया कि रोड सही अलाइनमेंट पे और सेरा होते हुए ये जूनियर स्कूल होते हुए जाएगी और पूरी सुख सुविधा मिलेगी। हल्द्वानी में बहुचर्चित व्यापारी अंकित चौहान हत्याकांड के मामले का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि राज्य के अंदर पहला इस तरह का मर्डर केस है जिसमें सांप से कटवाकर किसी की हत्या करवाई गई है और इस हत्याकांड में एक महिला समेत 5 लोग शामिल हैं। महिला ने पूरे हत्याकांड की साजिश रची थी। अंकित के पैर में सांप से कटवाकर हत्या को अंजाम दिया गया था और जिसमें एक सपेरे का इस्तेमाल किया गया। वहीं पुलिस ने सपेरे रामनाथ को गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल महिला समेत 4 लोग फरार चल रहे हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस दबिश दे रही है। पंद्रह तारीख को तीन पानी के पास एक कार में पिछली सीट पे डेड बॉडी मिली, उसमें कोई
कोई चोट के निशान नहीं थे और कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिल रहा था। इसका जब मालूम किया तो अंकित चौहान ये युवक का नाम पता चला और इसके आपका पैनल से इसका पोस्टमार्टम करवाया गया। इसमें कुछ चीज़ें सस्पिशियस लग रही थी क्योंकि एक तो पिछली सीट पर डेड बॉडी मिली थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें क्योंकि उसके दोनों पैरों में आपका छोटा सा एक निशान था जो सांप से काटे जाने की उम्मीद डॉक्टरों द्वारा इसमें परिलक्षित की गई। उसके आधार पर पुलिस ने चार टीमें पूर्व में बनाई थी जिसमें सीसीटीवी का अवलोकन किया जा रहा था। सीसीटीवी के अवलोकन से कई सस्पिशियस चीज़ें आई कि एक जहाँ पे घटना स्थल है उसके पास में एक कार ढाई मिनट तक आकर के रुकी और उसके बाद वो आगे मूव की, तो उस कार का पीछा करके पुलिस ने जो है एक रूट मैप तैयार किया जो देखा गया कि एक आपका गोरा पड़ाव से एक गाड़ी चलती है और वो पहले भुजियाघाट की ओर जाती है। हल्द्वानी में बहुचर्चित व्यापारी अंकित चौहान हत्याकांड के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि राज्य के अंदर पहला इस तरह का मर्डर केस है जिसमें सांप से कटवाकर किसी की हत्या करवाई गई है। इस हत्याकांड में एक महिला समेत पांच लोग शामिल है। महिला का नाम डॉली उर्फ माही है और जिसने पूरे हत्याकांड को की साजिश रची थी। अंकित के पैर में सांप से कटवाकर हत्या को अंजाम दिया गया है जिसमें एक सपेरे का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस ने सपेरे रामनाथ को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल माही समेत चार लोग फरार चल रहे हैं और जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस दबिश दे रही है। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि मृतक अंकित चौहान का माही के साथ संबंध भी था और माही अंकित से अपना पीछा छुड़वाना चाहती थी, लेकिन अंकित लगातार आपको बता दें कि माही से मिल रहा था और ऐसे में माही ने अंकित को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया और बाद में उसकी हत्या करवा दी। पंद्रह तारीख को तीन पानी के पास एक कार में पिछली सीट पे एक डेड बॉडी मिली। उसमें कोई चोट के निशान नहीं थे और कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिल रहा था। इसका जब मालूम किया तो अंकित चौहान ये युवक का नाम पता चला और इसके आपका पैनल से इसका पोस्टमार्टम करवाया गया। इसमें कुछ चीज़ें सस्पिशियस लग रही थी क्योंकि एक तो पिछली सीट पर डेड बॉडी मिली थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें क्योंकि उसके दोनों पैरों में आपका छोटा सा एक निशान था जो हरिद्वार के दो पुलिस पेट्रोलिंग पुलिसकर्मियों को गोली मारकर भागने वाले एक लाख से इनामी कुख्यात को उत्तराखंड एसटीएफ ने देहरादून से गिरफ्तार कर लिया है और पुलिसकर्मियों से मुठभेड़ में के दौरान आरोपी ने कई राउंड फायर किए थे जिसमें चीता पुलिस के दो जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इस घटना में कुल पांच अपराधी शामिल थे जिनमें से चार लोग को पुलिस और एसटीएफ पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और इस घटना में शामिल रहे पांचवें अपराधी पर एक लाख का इनाम घोषित किया गया था जिसे देहरादून के विकास नगर के कुंजा ग्राम से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि डीजीपी अशोक कुमार के सख्त निर्देश है कि उत्तराखंड में जितने भी गैंगस्टर है कुख्यात इनामी है उनको हर हाल में गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। देखिए अक्टूबर 2022 में लक्सर थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसमें कि कुछ बदमाशों के द्वारा जो चीता पुलिस कर्मी थे उनके ऊपर फायर किया था जिसमें दो कांस्टेबल्स हमारे घायल हुए थे। तो उस घटना में पांच जो अपराधी थे वो लोग संलिप्त थे जिसमें से तीन को उस समय पर कुछ घटना के कुछ दिनों बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया था। दो लोग थे जावेद और फुरकान जो एब्सकॉन्डिंग चल रहे थे। तो 15 दिन पूर्व ही इसमें से फुरकान को जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम था एसटीएफ की टीम के द्वारा बिहार से गिरफ्तार किया गया था। अब इसमें जो बचा हुआ था 1 लाख का इनामी जावेद इसको भी आज हमारी एसटीएफ की टीम के द्वारा कुंजा ग्रांट विकास नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार। रायवाला पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने 8 पेटी अंग्रेजी और 10 लीटर कच्ची शराब पकड़ी है। इस दौरान पुलिस ने दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया है जिनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल एक कार को भी कब्जे में लिया है। आईपीएस प्रशिक्षु और रायवाला थाना अध्यक्ष जितेंद्र मेहरा ने बताया है कि आरोपी की पहचान बसंत और अमानत के रूप में हुई है और दोनों लोग शराब कहां से ले आ रहे थे और कहां इसकी सप्लाई की जा रही थी इस बारे में पूछताछ की जा रही है। फिलहाल दोनों लोगों के खिलाफ शराब तस्करी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
जांच कर रविवार को 10 नवंबर गेट टूटने के बाद आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग हरकत में आ गया है। सभी गेटों की जांच की जा रही है। वहीं 22 गेटों में से लगभग 8 गेटों के खस्ता हालत को देखते हुए वहीं सभी गेट नए लगाए जाएंगे और साथ ही कुछ गेटों की मरम्मत होनी है। उन गेटों का मरम्मत कार्य भी जल्द शुरू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता नीलन वर्धा ने कहा है कि भीमगोड़ा बैराज के 8 गेट क्षतिग्रस्त है और जिनकी धनराशि स्वीकृत हो गई है और 5 गेट बनकर तैयार हो गए हैं। वर्तमान में 8 गेट इसके डिफ्लेक्टेड है, क्षतिग्रस्त करना चाहिए उनको, थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसमें, उसकी परियोजना बन चुकी है, स्वीकृत भी हो गई है और उसमें 5 गेट बन भी गए हैं, तो अभी वो वर्तमान में प्रोसेस में चेंज करने के, तो वहाँ से अब आएंगे गेट से चेंज हो जाएगा इसमें। हाँ जी, पहली बार रिप्लेसमेंट है, एक बार इसके गेट 4 गेट और बदले जा चुके हैं, इसमें 22 टोटल गेट है और केवल अभी जो प्रॉब्लम आई है जो क्षतिग्रस्त गेट है वो एक ही गेट है, तो वो तो अभी मैकेनिकल टीम आ चुकी है उसको रिपेयर करेगी, बाकी जो है जल्दी ही कर दिए जाएंगे अभी बस। कारण रहा टूटने का? उसका रस्सा वीक हो गया था जो मुझे लगता है देख के, क्योंकि क्षतिग्रस्त हुआ है वो गेट, वो पहले से प्रॉब्लम थी, बस एक रस्सा जो था उसमें प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से गिरा हुआ है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है, लेकिन इससे जो है नीचे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। 22 गेट हमारे हैं, 22 में से एक की प्रॉब्लम है, 21 गेट संचालन पूरा चल रहा है। ये कितने समय में पूरा हो जाएगा, जैसे 8 गेट बदले जाने हैं सर, कितना वक्त? 8 गेट समय लेगा इसमें, देखिए बड़े बड़े गेट आते हैं, इसमें वेल्डिंग भी होगी, मशीन्स भी लगेंगी, तो उसमें जो टाइम लगेगा वो। राजधानी देहरादून में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पूरे प्रदेश में हालात काफी चिंताजनक बने हुए हैं। बता दें कि प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद भी नजर आ रहे हैं। बता दें कि देर रात लगातार हो रही बारिश से राजधानी देहरादून के रायपुर क्षेत्र के शांति विहार में 4 दुकानें और 4 मकान ध्वस्त हो गए हैं। वहीं पुलिस की टीम ने राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है और समय रहते आसपास के दुकान और मकान खाली करा दिए गए थे, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में बहने वाले नाले में अचानक काफी पानी आने से बरसाती पानी लोगों के घरों में घुस गया है। हालांकि मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन ने नदी नालों के किनारे रहने वालों से अपील की है कि वह सुरक्षित स्थान पर जाए। रात बारिश बहुत तेज थी, नदी में पानी बहुत आया जी। पानी आने की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई, तो ये अपना आधा मकान गिर गया ऊपर का। अच्छा, कितने मकान थे जो हैं? वो करीब दो मकान थे, तीन दुकानें थे, तीन एक दो अपना कमरे, दो 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 मकान थे, तीन दुकानें अलग थी जो औरों की बह गई, हमारा जो ऊपर का वहाँ गाय का दाना मकान कर रहा था। मकान कितने थे? पूरा मकान रह गया। कितने मकान थे उसमें? दो कमरे थे, एक ऊपर एक नीचे। अच्छा, किचन लैटिन बाथरूम था। क्या कुछ कहेंगे प्रशासन से आप? प्रशासन से क्या कहना है सर, नुकसान हुआ है आपका, कुछ मांग नहीं करेंगे प्रशासन से? मांग तो सर क्या करें, जो कर सकती है सरकार। क्या घटना हुई, क्या हुआ था रात में? ये जब ज़्यादा बारिश हुई 11:22 से सामने वाला मकान गिरा पड़े और 1:30 बजे करीब 3 दुकानें मेरे सामने ही गिरी। ये थाने से पुलिस, काली पुलिस से JCB से खाली कराए गए थे, फिर बंद हो गया था नाला पूरा, दुकाने पीछे रुक रहा था, पुलिस वालों ने काफ़ी वो किया, JCB लाए एसओ साहब और JCB से थोड़ा सा पानी का बहाव। क्या कोई लोग भी फंसे थे कुछ? वो पहले तो खाली करवा दिया था, अलाउंस किया था गाड़ी से और मैंने घर से ही फोन कर दिया था इनको, वैसे साहब को मैंने कहा अलाउंस करके इनको खाली। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।